अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सभी देखने वालों का। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। और वीडियो थोड़ा लेट हो जाती है मेरी, इसके लिए माजरत। काफ़ी जो है ना वो पूछा जाता है कि आपकी वीडियो लेट क्यों है। सो आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। शनवारी पर हम गए थे, ये F9 के अंदर है। तो मैं आपको पहले यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। ये एक फैमिली हमारा गेट टुगेदर था, मेहमान आए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलें आज रात जो है वो कहीं बाहर खाना खाया जाए। मौसम बहुत अच्छा था, पहले हमने सोचा कि सिटिंग जो है वो आउटडोर होनी चाहिए, लेकिन ठंड जो थी वो ज़रा ज़्यादा महसूस हुई। ये देखें जी, इसका आउटडोर की सेटिंग है, छत के ऊपर है इनका। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था व्यू यहाँ से, और अगर बर्दाश्त कर सकें तो मौसम अच्छा भी था, लेकिन मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए जो है ना फिर हमने जो है वो दूसरी सीटिंग चेक करी। मगर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, और हमने अब उनसे अपनी टेबल अरेंज करवाई, तो ये एरिया दिया उन्होंने हमें। और लेट नाइट था तो बस हमारी ही फैमिली थी, इसलिए हम कंफर्ट फील कर रहे थे इधर। हस्बे मामूल मोहम्मद आरिस हमारे साथ हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की क्या सेटिंग है इनकी। यहाँ भी तकरीबन अच्छा ही लग रहा था, और आपको पता है शनवारी स्टाइल तो इसी तरह ही होता है, सिटिंग का भी और खाने का भी, लेकिन माहौल अच्छा था, आप कंफर्टली वहाँ पर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। यहाँ बारबेक्यू हो रहा था, मेरा फेवरेट, और साथ ही हांडी भी इधर तैयार हो रही थी। हमने अपना ऑर्डर दे दिया था, और ऑर्डर में शनवारी जो होता है, हमने भी मटन में और चिकन में ऑर्डर किया था, सो हमारा ऑर्डर भी तैयार हो गया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खाना मेरी एनिवर्सरी के लिए था, सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग, तो आपसे गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। इजाज़त चाहती हूँ, फ़ी अमान अल्लाह।